हेलो दोस्तों, आप भी यदि चाहते हैं कि इस तरह से लॉन्ग बीन्स की ढेर सारी हार्वेस्टिंग आप भी अपने टेरिस से करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारी जानकारी दूंगी कि अपने टेरिस पे आप लॉन्ग बीन्स कैसे लगाएं और इसकी हार्वेस्टिंग ढेर सारी कैसे लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लॉन्ग बीन्स दो वैरायटी होती है, एक बेल वाली और दूसरा डॉर्फ वैरायटी। इसका बीज आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और इसको आप तीनों सीजन में बो सकते हैं। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, देखिए इसको मैंने बो दिया है और ये 45 दिन बाद इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। और इस समय सितंबर में जो मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, ये मैंने जुलाई में लगाया था और ये लॉन्ग बीन्स, इसको सतावरे बीन्स भी कहते हैं। ये देखिए, ये ड्वार्फ वैरायटी है और ये छोटे से कंटेनर में मैंने लगाया है और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्रूटिंग कर रहा है। और इसकी फलियाँ दोस्तों हर तीसरे दिन हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती हैं और क्रीम कलर और पर्पल कलर के इसमें फ्लावर जोड़े में आते हैं। और आप अपने गार्डन में, अभी सितंबर चल रहा है इस समय, आप मार्केट से ला करके लगा सकते हैं। इसको गमले में, ग्रो बैग में, या बड़े कंटेनर या छोटे में, कहीं भी आप इसको लगा करके इसकी हार्वेस्टिंग आप ले सकते हैं। इसकी फलियां प्रोटीन, फोलेट, फाइबर, मल्टीविटामिन और कैल्शियम युक्त होती हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। ये देखिए, ये बेल वाली लोबिया है और इसको मैंने देखिए बड़े कंटेनर में लगाया है। और बेल वाली लोबिया को दोस्तों, इसको चढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है, तो इसमें आप कोई भी, आप देखिए मैंने रस्सी के सहारे से इसको चढ़ाया है और इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। आप देख रहे हैं हर गांठ पे इसमें लॉन्ग बीन्स लटकी हुई है। और आप भी इस तरह से आप अपने टेरेस पे लगा सकते हैं और इसकी फ्रूटिंग अच्छी सी पा सकते हैं। और इसमें बहुत अधिक मेहनत नहीं है दोस्तों, इसमें 10-15 दिन में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालनी होती है या फिर कोई भी आप ऑर्गेनिक आपके पास जो खाद है उसको डाल दीजिए। ये देखिए, आज की हार्वेस्टिंग इतनी है जो कि मेरे लिए सब्जी के लिए काफ़ी है। और इसको शतावरी बीन्स भी दोस्तों कहते हैं। ये ग्रीन कलर की और पर्पल कलर की दोनों होती हैं। ये देखिए, इस बड़े कंटेनर में भी मैंने लगाया है अपने टेरेस पे। लगभग मैंने 3 से 4 कंटेनर में ये लॉन्ग बीन्स लगाया हुआ है और सभी में इस समय फ्रूटिंग हो रही है। इसको मैंने जुलाई में लगाया था और अगस्त से इसमें से मैं हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। और अभी इस समय लगभग सितंबर में जो मैंने लगाया है वो लगभग अक्टूबर लास्ट में इसकी फिर से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो आप अगर लोबिया या लॉन्ग बीन्स अपने टेरेस पे लगाना चाहते हैं तो ये तीनों सीजन में इसको आप लगा सकते हैं और इसमें मेहनत बहुत कम है। इसमें मुख्यतः एफिड या फिर कुछ कीड़ों का अटैक होता है जो कि बहुत ही क्योरेबल है। इसको नीम ऑयल आप छिड़क दीजिए, इससे क्योर हो जाता है। ये देखिए, आज फिर मैं इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ और लगभग 8-10 अगर लॉन्ग बीन्स हार्वेस्ट हो जाता है तो इसमें आराम से सब्जी बन जाती है। और ये देखिए आज की हार्वेस्टिंग। और दोस्तों ये देखिए, ये आपको मैंने दिखाया था पहले, इसमें जो पतली पतली बीन्स लगी हुई थी और 2 दिन बाद ये मैच्योर हो चुकी हैं। और इसमें जो फलियां लगती हैं दोस्तों, ये लगभग इसको मैच्योर होने में 2 से 3 दिन लगते हैं और लंबी लंबी फलियां देखिए आज इसको 2 दिन बाद हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो आप भी अपने टेरेस पे आप जरूर लगाएं। अभी तक अगर नहीं लगाया है तो आप, अभी भी समय है, इसको मार्केट से या फिर ऑनलाइन बीज लॉन्ग बीन्स के नाम से या शतावरी बीन्स के नाम से, या इसको बोड़ा भी कहते हैं,
कहीं कहीं पे इसको बरबटी भी कहते हैं। इसको ऑनलाइन बीज मंगा करके अपने टेरेस पर जरूर लगाइए। अगर एक बार आप लगा लेंगे तो आप इसको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो कमेंट करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये देखिए, ये अगले दिन का हार्वेस्टिंग है दोस्तों। ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ, लगभग 3-4 हफ्ते में मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया है और अलग अलग दिन की मेरी ये हार्वेस्टिंग है। और ये देखिए, इसमें भी ये फलियाँ मैच्योर हो गई हैं और इसको भी मैं आज हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप लॉन्ग बीन्स जरूर लगाइए अपने टेरेस पे। और तब तक के लिए बाय बाय।